90 का दशक बहुत मायनों में खास था। ये वो दौर था जब फिल्मी कंटेंट में भी काफी बदलाव आ रहा था। धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री में कहानी विधवा माँ और अंधी बहन तक ही सीमित नहीं रह गई थी। हीरो माचो तो होते थे, लेकिन कंटेंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 90 के दशक में हमें कुछ ऐसी थ्रिलर फिल्में दी हैं, जिनके बारे में याद किया जाए तो अभी भी आप डर सकते हैं। ये फिल्में थ्रिलर होते हुए भी ऑडियंस के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। तो चलिए इन्हीं फिल्मों की बात करते हैं और जानते हैं कि 90 के दशक की सबसे मजेदार थ्रिलर फिल्म कौन सी थी। मगर उससे पहले, अगर आपने नहीं किया है अभी तक रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब तो भी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। कौन 1999। अब अगर आपको इस फिल्म के बारे में या इसके सस्पेंस के बारे में नहीं पता तो एक बार इस फिल्म को देखिए, तब आप जान जाएंगे कि एक वक्त था जब राम गोपाल वर्मा भी कितनी अमेजिंग फिल्में बनाया करते थे। कौन फिल्म में सिर्फ 3 ही एक्टर्स हैं और ये पूरी फिल्म सिर्फ एक ही घर की लोकेशन पर फिल्माई गई है, और फिर भी आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म में कितने ट्विस्ट और टर्न्स हैं। उर्मिला, मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह ने इस फिल्म में जो एक्टिंग की है उसे देखकर कई लोगों को डर लग सकता है। गुप्त 1997। दुनिया हसीनों का मेला गाने से शुरू होकर फिल्म गुप्त में जितने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेंगे। फिल्म गुप्त में आखिर में जब कातिल का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि वाकई कहानी को कैसे मोड़ा गया है। फिल्म में बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला का बहुत ही अच्छा रोल है और बाकी सभी एक्टर्स ने भी फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खिलाड़ी 1992। एक वक्त पर ये फिल्म कॉमेडी लगती है और दूसरे वक्त पर आपको पता चलता है कि हंसते खेलते स्टूडेंट्स के बीच एक खून हो जाता है। फिर शुरू होती है कातिल को तलाश करने की कोशिश जो फिल्म के अंत तक चलती रहती है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इतनी जल्दी फिल्म कॉमेडी से थ्रिलर बन जाती है कि आपको अचानक शॉक लगता है। कहानी के मामले में ये काफी अच्छी है और आखिर तक कातिल के नाम को सस्पेंस रखा जाता है। संघर्ष 1999। आशुतोष राणा, प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार ने मिलकर इस फिल्म को बहुत ही रोचक बना दिया था। बच्चों की किडनैपिंग, उनके कत्ल और फिर आशुतोष राणा का एक अलग रूप देखकर इस फिल्म को टॉप थ्रिलर की लिस्ट में रखा जाना गलत नहीं है। फिल्म में जिस तरह से एक सीबीआई ऑफिसर, एक कैदी और एक साइकोलॉजिकल सीरियल किलर को एक साथ दिखाया गया है वो तारीफ के काबिल है। आशुतोष राणा का जो रूप इस फिल्म में दिखाया गया था उसने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी उन्हें दिलाया था। दुश्मन 1998। चिट्ठी ना कोई संदेश, जानिए वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, एक ऐसा गाना जिसने लाखों दिलों को छू लिया। ये गाना यकीनन उस दौर के सबसे पसंदीदा गानों में से एक था और ये फिल्म भी उस दौर की सबसे अनोखी फिल्म थी। इस फिल्म के लिए भी आशुतोष राणा को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला था। काजोल और संजय दत्त ने भी इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे, पर आशुतोष राणा के नेगेटिव रोल और फिल्म में वो सस्पेंस आज भी लोगों को पसंद आता है। बाजीगर 1993। अगर 90 के दशक की थ्रिलर फिल्मों की बात हो रही है और फिल्म बाजीगर का नाम इसमें नहीं लिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाजीगर एक अलग ही लेवल की फिल्म थी जिसने 90 के दशक में शाहरुख खान का एक नया रूप दिखाया। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी को मारने वाला सीन बताता है कि शाहरुख खान की अदाकारी एक हीरो से विलन तक सिर्फ 2 सेकंड में ही पहुँच सकती है। 100 डेज 1991। एक अनजान घर में मिली एक लाश और हीरोइन माधुरी दीक्षित को आते हुए सपने बताते हैं कि किस तरह से कत्ल हुआ और किसने कत्ल किया। जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म बहुत ही अनोखी है और इसे आपको सिर्फ कहानी के लिए ही देखना चाहिए। ये लाश किसकी है और कैसे दीवार के अंदर पहुंच गए इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है जो आपको फिल्म में पता चलेगी। गुमराह 1993। श्रीदेवी और संजय दत्त की जोड़ी ने इस फिल्म में जो कमाल दिखाया था वो अनोखा था। एक टॉप आर्टिस्ट किस तरह से ड्रग्स स्कैंडल में फंसती है और कैसे उसे विदेश में जेल से बाहर निकाला जाता है, ये तो यकीनन कहानी की काबिलियत को दिखाता है। इस फिल्म को टॉप थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाना लाजमी है। मोहरा 1994। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी जैसे गाने देने वाली फिल्म को हम एक रोमांटिक फिल्म मान सकते हैं, लेकिन ये फिल्म जितनी खूबी से रोमांटिक से थ्रिलर बनती है वो तारीफ के काबिल है।
यकीनन इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन्हें बखूबी से पिरोया गया है। फिल्म का सस्पेंस और कहानी 20 साल के अंतराल में चल रही होती है और नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग ने इस फिल्म में जान डाल दी है। इनके अलावा भी अग्निसाक्षी, दरार, अंजाम जैसी फिल्मों में थ्रिलर के नाम पर अपनी जगह बनाई है। 90 के दौर में थ्रिलर फिल्मों का अपना एक अलग रुतबा था और यकीनन कहानी के मामले में बॉलीवुड काफी तरक्की कर रहा था। वैसे आपको इनमें से सबसे ज्यादा पसंद कौन सी थ्रिलर मूवी है, आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।